सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो न्यू गेम एपेक्स लेजेंड आई है, आप लोग उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो गेम लूप में, वो भी ऑफलाइन। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग या तो अपने ब्राउज़र पे जाके उस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। सीधा टाइप कर सकते हो डाउनलोड एपेक्स लेजेंड OBB, और जैसे आप लोग ये टाइप करोगे तो APK और OBB फाइल दोनों एक साथ आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये रहे दोनों, या फिर आप लोग जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के पास जिसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। तो आप लोग वहाँ से जाके अपने PC में जैसे ही डालोगे, तो उसके बाद आप लोगों को वो गेम कहाँ पर डालनी है, तो आप लोगों को वो वाली गेम MyPC में जाके जिस जगह पे आपका गेम लूप का टेम्प का फाइल होगा वहाँ पे जाना है। तो मैंने तो भाई F पे इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप टेम्प फाइल यहाँ पे है। तो इसके बाद अपने को जाना है TX गेम डाउनलोड्स पे और मोबाइल गेम PC शेयर पे, और यहाँ पे आप लोगों को सिंपली उस गेम को पेस्ट करना है एक न्यू फोल्डर बना के। तो मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ऐसे आपका एक न्यू फोल्डर आ जाएगा, इसको आप एपेक्स लेजेंड का नाम दे सकते हो। जैसे आप लोग ये वाली चीज़ कर लोगे, तो जैसा कि मैंने ये वाला नाम दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों को सीधा पेस्ट करना है भाई। जैसा पेस्ट करोगे तो ये आपकी दो दो दोनों जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो फाइल्स है वो फोल्डर में होनी चाहिए। जैसा कि ये अपना com.ea.gp वाला फोल्डर है, इसके अंदर होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप लोगों को ये दोनों फाइल्स मिल जाएंगी। वैसे मैंने रीडमी वाली भी कर ली है, तो आप लोग कर रहे हो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अपना जो गेम लूप है इम्यूलेटर उसको ओपन कर लेना है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हो गया, और यहाँ से आप लोगों को सीधा अपना लॉन्च करना है भाई इम्यूलेटर। अरे भाई कहीं पे खुला हुआ है मेरा ऑलरेडी, तो इसको पहले मैं कट कर देता हूँ। तो इसको कट करने के बाद भी जैसा कि मैंने लॉन्चर खोलूँगा अभी मैं फेसबुक के थ्रू, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे जाके सारा सॉल्यूशन कर दूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को इसके बाद सीधा F9 प्रेस करना है। आप इन सभी चीज़ों को भूल जाओ, ये जो मैंने डिस्प्ले पे देख रहे हो ये सब चीज़ें भूल जाओ, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। आप लोगों को क्या कर रहे हैं, जैसे आपका ये वाला पेज खुलेगा उसके बाद आप लोगों को F9 प्रेस करना है, तो आपका यहाँ पे ब्राउज़र का ऑप्शन आएगा। आपने सिंपली ब्राउज़र पे जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद एक न्यू टैब खोलो और यहाँ पे सीधा डाउनलोड ES फाइल एक्सप्लोरर लिख दो। ES फाइल एक्सप्लोरर, जैसे आपका ये वाला आएगा आप लोग पहले लिंक से ही डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इसको ओपन करेंगे, ये रहा मेरा। तो जैसे ही आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा, तो टूल्स पे जाके यहाँ पे आप लोगों को रूट वाला ऑप्शन होगा, उसको इनेबल करना है। वैसे मेरा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपका भी नहीं होगा क्योंकि कुछ गाइडलाइंस के ज़रिए आजकल बंद चल रहा है। तो आपको उसके बाद लोकल्स पे जाना है। लोकल्स पे जाने के बाद ये वाला स्लैश का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद आप लोगों को डेटा पे जाना है यहाँ पे, और नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर होगा Share 1, और Share 1 के फोल्डर के बाद जितने भी फोल्डर हम लोगों ने अपने टेम्प फोल्डर में डाले थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और हम लोगों ने नाम दे रखा था एपेक्स लेजेंड, तो अपनी फाइल्स यहाँ पे मिल जाएगी आप लोगों को बहुत इजीली। तो इसको अगर आपको नहीं दिख रही तो यहाँ पे रिफ़्रेश का ऑप्शन है, रिफ़्रेश कर दो एक बार तो आप लोगों की दिखना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद आप लोगों को इसके ऊपर लेफ़्ट लॉन्ग प्रेस करके रखना है माउस का लेफ़्ट क्लिक को, और यहाँ पे कॉपी कर लो, बैकअप के लिए आप रख सकते हो। तो इसको कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, होम पे जाना है वापस और इंटरनल स्टोरेज पे जाना है। एंड्रॉयड पे जाने के बाद, जैसा कि आप लोग पबजी मोबाइल को इंस्टॉल करते हो, एंड्रॉयड पे जाने के बाद OBP पे जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैं ओवरराइट कर देता हूँ एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए। और जिस जैसे ही अपना ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, आप लोगों को फिर से जाना है
लोकल्स वाले फोल्डर पे, डाटा पे, फिर शेयर वन पे, और वहाँ पे एपेक्स लेजेंड का जो फोल्डर होगा उसके अंदर होगी जो APK फाइल, उसको इंस्टॉल करना है। वो भी मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। और कुछ लोगों का आ रहा है कि सेफ़ इन्वायरमेंट वाला, तो अगर आपका भी वो वाला इशू आ रहा है तो 100% वर्क करेगा। आप लोग एक बार मेरे को ज़रूर बता देना अगर आपका वो वाला इशू आ रहा है, तो वो भी आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो दो फाइल सफाई, एक तो हो गई। और कुछ लोगों का दिक्कत आ रहा है कि आप लोग इम्यूलेटर में खेल रहे हो तो आपका नहीं चलेगा, तो वो भी सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो भी आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी तो मैं बता दूंगा उसका सोल्यूशन। और GT 710 जो लोग मेरी तरह यूज़ करते हैं वो भी इस गेम को खेल सकते हैं। तो मैं अभी खेल रहा था लेकिन मेरा वो इम्यूलेटर वाला ऑप्शन आ गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी साथ में चलाते हैं आप लोगों के साथ। कोई भी गेम ज़रूर नहीं है कि आप लोग एपेक्स लेजेंड ही ऐसे कर सकते हो। आप लोग अपना BGMI, PUBG, जो भी है गेम को इस तरह से OBB फाइल्स को और APK को अलग रख के एंड्रॉयड में OBB में पेस्ट करके, जैसा मैंने बताया, इसी स्टेप के थ्रू आप लोग किसी भी गेम को, एंड्रॉयड गेम को अपने इसमें खेल सकते हो भाई। तो भाई ये रही दोनों फाइल्स अपनी आ गई बीच में। तो जो APK आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को ओपन करना है। और जैसा कि यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन आएगा सेफ़ इन्वायरमेंट का, मैंने पहले कहा था, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अगर नहीं आएगा स्विच टू ओपन GL+ इंजन पे करना है आपको, ओके करना है। अगर आपका स्विच टू ओपन GL ऑलरेडी है तो चल पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको ओके करना है, एंटी चीट ऑनलाइन हो जाएगा यहाँ पे साइट्स पे। और ये देखो बस अभी कुछ नहीं करना, थोड़ी देर वेट करना है आपको। तो लॉन्चर अभी लॉन्च हो रहा है गेम लुक का, तो काफ़ी इजी है भाई, आप लोग इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके फ्रेंड के पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप लोग मेरे को बता देना इंस्टाग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन बता दूंगा सीधा। आप अगर आप लोगों को नहीं करना आ रहा, वैसे आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, आप लोग ऑलरेडी कर सकते हो, मेरे को पता है, इतना इतना सा स्टेप अगर आप लोगों को पता है तो उसके बाद आप लोग कोई भी गेम को डाल के PC में खेल सकते हो, इम्यूलेटर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली और मस्त चलती है। और जिन लोगों को कोई भी दिक्कत आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोगों तक ये हेल्प पहुंच सके यार भाई। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा वेरीफाई डाउनलोड्स का, वेरीफाइंग होगा, डाउनलोड नहीं होगा, सिर्फ वेरीफाई करेगा जो फाइल्स OBB वाली है, वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाल दी थी, तो इसको वेरीफाई करेगा। कुछ टाइम लगेगा आप लोगों का, कोई डरने वाली बात नहीं है। फुल स्क्रीन कर लेते हैं भाई इसको। U4। वेट वेट वेट, अगर आप लोग स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, 10 सेकंड्स आ गए। तो भाई अभी टाइम लग रहा है थोड़ा सा अपने को, वेरीफाई हो रहा अपना जो है फाइल जो कि OBB वाला है। तो फाइनली यार कुछ टाइम वेट करने के बाद अपना जो गेम है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बस एक बार बता दो भाई ये वाली दिक्कत है,
मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा जितना मेरे से होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ गुड हंड्रेड परसेंट ही कर मॉर्निंग दूंगा, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसका मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जिन चीज़ों का मेरे को नॉलेज है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ, क्योंकि नॉलेज पार्टनर से बढ़ती है भाई। तो ये देखो भाई, कोई फेक नहीं, कोई वीडियो नहीं है यार, आप लोगों के सामने अभी इंस्टॉल करा है मैंने और फिर से अभी खेलूंगा मैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रहा है आप लोग मेरे को जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से हम लोग जरूर खेलेंगे भाई। तो थैंक यू यार आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बस एक बार बता देना भाई ये दिक्कत है, मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।